हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सयान और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर इट्स माय लाइफ। और आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ कैसे बनाई जाए बची हुई बाटियों से चूरमे के लड्डू या फिर चूरमा। तो चलिए देखते हैं वो रेसिपी को कैसे बनाना है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चाहे दोस्तों को कुकिंग का शौक हो आपके या फिर फैमिली में कोई हो तो उसे वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट में आपके सुझाव ज़रूर लिखिएगा वीडियो कैसी है, वीडियो अच्छी लगी या नहीं। और हाँ, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। तो चलिए चलिए बनाना शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, डिश बनाने से पहले हम इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। तो इंग्रेडिएंट है हमारे यहाँ पर एक बड़ी सी गुड़ की डली ली है और दो बाटी ली है, और हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून घी लिया है और काजू बादाम के 5-6 पीस हमने लिए दोनों के, और छोटे छोटे पीसेस में क्रश कर लिया है और इनको थोड़ा बारीक क्रश ना करें ऐसे ही रखें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने 2 बाटी ले ली है और इनको छोटे छोटे पीस करके हम हमारे ग्राइंडिंग जार के अंदर डाल देंगे और इसका हम चूरमा बना लेंगे। और जल्दी से मैं सारी बाटियों को छोटे छोटे करके पीसेस में डाल देता हूँ। आप जितनी बाटी लेना चाहे ले सकते हैं, और हमने 2 ही लिए क्योंकि हमारे को 2 का बनाना था। 2 से भी बहुत सारे लड्डू बन सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको हम कर लेते हैं। सो गाइज, अब बाटी को हमने छोटे छोटे पीस करके जार में डाल दिया है छोटे से, और ढक्कन लगा के हमने लिड क्लोज कर दिया है। इसको हम फिट कर लेंगे और इसको हम चूरमा कर लेंगे, पीस देंगे इसको। तो जल्दी से मैं इसको पीस लेता हूँ। सो गाइस, मैंने इसे पीस लिया है, देखिए कैसा मैंने इसको चूरमा जैसा बना लिया है। और मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने किसके बटन को दबा के इसको पीसा है। मैंने इसको पीसा है प्रोसेसर के ऊपर, इस बटन को दबा के मैंने पीसा है प्रोसेसर को। तो आप भी इससे पीसेंगे तो आपको भी यही रिज़ल्ट मिलेगा। तो अब अपन को क्या करना है, गुड़ को लेना है और कोई भी भारी चीज़ से उसे पीस देना है या फिर छोटे छोटे पीस में कर देना है, जिससे गुड़ जो है अपन डालेंगे कढ़ाई में जो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। वरना अगर ऐसे डालेंगे तो गुड़ लेट मेल्ट होगा और जल भी जाएगा अगर लेट काम करेंगे गुड़ के साथ। तो अपन इसलिए मैंने गुड़ को देख लीजिए अच्छे से थोड़ा सा क्रश कर लिया है मूसली से, या फिर आप भारी चीज़ से कर सकते हैं, चाकू से आप छोटी छोटी चिप्स जैसे टाइप में भी काट सकते हैं। तो चलिए पहले ये कर लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ क्या करना है। सो गाइस, देख लीजिए हमने गुड़ को कुछ ऐसा कर दिया है बारीक सा। ओके सो फ्रेंड्स, अब हम कढ़ाई के अंदर घी को गरम करेंगे और इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, जैसे हमने दिए काजू बादाम और छोटे छोटे पीसेस में लिए थे इनको। इसे हम रोस्ट कर लेंगे हल्का सा, जब तक कि नटी सा फ्लेवर आ जाए ऐसे हम रोस्ट कर लेंगे हमारे काजू बादाम को। आप कोई भी और ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं, बट चूरमे के लड्डू के अंदर यही सबसे बेस्ट लगते हैं हमें, इसलिए हमने ये लिए हैं। तो हम इसको जल्दी से रोस्ट कर लेते हैं और फिर बताता हूँ आपको क्या करना है। सो गाइस, इसको रोस्ट करने के बाद हमने जो गुड़ को छोटा सा क्रश करा था ना, हमने उसको थोड़ा सा पीसा था, वो हमें डाल देना है और इसको मिक्स कर लेना है। और गुड़ को हमें जब तक मिक्स करना है जब तक इसके सारे लम्स फ्री नहीं हो जाता। ये अब इसके अंदर बहुत सारे गुड़
के लम्स हैं यानी गुड़ के डल्ले हैं छोटे छोटे से, तो अपन को उसको बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में लाना है यानी बिल्कुल लम फ्री कर देना है इसको। तो अपन को जब तक मिक्स करना है इसको जब तक ये लम फ्री हो जाए, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। सो गाइस, अब हमारा गुड़ लम फ्री हो गया, बिल्कुल लिक्विड में आ गया, लम्स नहीं है। तो अब हम इसके अंदर जो हमने चूरमा बनाया था ना हमारी बाटी का, वो डाल देंगे। और आपको एक बात बता दूं मैं अभी एक, कि हमने इसको जो घर पे हमारी दाल बाटी बनती है उसमें जो बाटी बच गई थी उससे हम चूरमा बनाना सिखा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट बाटी। तो बाटी के अंदर तो हम नमक डालते हैं, इसलिए आप गुड़ थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा या फिर मीठा थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा, गुड़ के अंदर मीठा है, मतलब वही, तो गुड़ थोड़ा आप ज़्यादा लीजिएगा जिससे आपका जो नमक का टेस्ट नहीं आए और आपका मीठा मीठा लगे बिल्कुल लड्डू, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, तो जल्दी आप इसको मिक्स कर लेते हैं और अपने जो लड्डू बनाने का जो बैटर जैसा होता है उसको सॉलिड फॉर्म में अब ये रेडी हो चुका है। तो इसको थोड़ा सा और मिक्स करके मैं थोड़ा सा अब इसको उतार लेता हूँ, फिर इसके लड्डू बनाए जाएंगे। सो गाइस, अब ये रेडी हो चुका है बिग थम्स अप, आप भी लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो गाइस, अब हमें लड्डू बनाना शुरू कर देने, जैसे हमने कढ़ाई से इसको हमने एक प्लेट में निकाल दिया है हमारा सारा बैटर, अब हम डायरेक्ट लड्डू बनाना शुरू कर देंगे। और हाँ गाइस, एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि हमारा जो बैटर है वो गर्म रहना चाहिए तभी हमारे लड्डू परफेक्ट बनेंगे। यानी हमने जैसे ही कढ़ाई से इसको निकाला वैसे हमें प्लेट में डाल के इसके लड्डू बनाना शुरू कर देने हैं, वरना अगर बैटर ठंडा हो गया तो उसके बाद लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे और टूटते जाएंगा लड्डू आपका, इसलिए आपको गरम गरम बैटर के ही लड्डू बनाने हैं। और अगर आपको बैटर गरम लगता है तो आप ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं जिससे बेहतर रहेगा, लेकिन मुझे इतना गरम नहीं लग रहा तो मैंने थोड़ा सहन कर लिया, लेकिन लड्डू मैं हाथ से बना रहा हूँ। तो जल्दी से हम लड्डू बनाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। और ये आखिरी स्टेप है, इसके बाद हम डिश आउट कर देंगे इसको एक चीज में। और हाँ गाइस, अगर आपको भी ऐसे गोल गोल लड्डू बनाने हैं तो आप मेरा तरीका फॉलो कर सकते हैं। पहले बैटर को हाथ में लें और फिर उसको थोड़ा हाथ से शेप दें और देखिए कितने आसानी से लड्डू बन रहे हैं हमारे। आप हाथ दोनों हथेलियों के बीच में उसको रख के गोल गोल भी कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, देखिए ये उंगली से कर रहा हूँ मैं, तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप हम गोल गोल लड्डू बना सकते हैं। तो अब जल्दी से मैं लड्डू बनाता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। सो गाइस, सारे लड्डू बनकर रेडी हो चुके हैं, देखिए। तो चलिए अब इसको डिश आउट करते हैं। वैसे तो आप किसी भी बर्तन में डिश आउट कर सकते हैं, बट फिलहाल मैंने अभी एक कांच की बाउल लिया है, कांच का प्याली ली है छोटी सी, और उसके अंदर मैंने लड्डू डाले हैं अपने, और ये प्रिटेंडेबल भी अच्छी लग रही थी। आप चाहे तो इसके ऊपर गार्निश थोड़े से मतलब काजू जो होते हैं वो छोटे छोटे पीस में करके हर एक लड्डू के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं या फिर रख सकते हैं, तो और भी अच्छा लगेगा। बस मुझे ऐसे ही रखना था तो मैंने रख दिया, और ऐसे ही ये बहुत अच्छे लग भी रहे हैं, देखिएगा आप। और हाँ, रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये देखिएगा इस कैसे अच्छे लड्डू लग रहे हैं, आपको एक क्लोज़अप देता हूँ मैं, ये देखिए हर तरफ से आपको एक लड्डू की झलक दिख रही है। आपको मैं पास से भी दिखाऊंगा भी। और गाइस, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, आप हर बार लाइक नहीं करते हैं। तो देखिए कैसे अच्छे लग रहे हैं लड्डू हमारे।
सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा नीचे। एंड हाँ, आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा जिसको खाने और पकाने का शौक हो। अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कीजिए। तो चलिए दूसरे वीडियो में मिलते हैं, और मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो लाने वाला हूँ, तो जल्दी से बेल नोटिफिकेशन दबा के नोटिफिकेशन पा लीजिएगा। ये स्लाइम की अनबॉक्सिंग का वीडियो आने वाला है।